लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने की प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों के अपने उम्मीदवारों की घोषणा। हमीरपुर से अनुराग, मंडी से रामस्वरूप, कांगड़ा से किशन कपूर और शिमला से सुरेश कश्यप के नाम पर लगी मुहर। विश्व क्षय रोग दिवस आज। तपेदिक की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करने और इसके नियंत्रण के प्रयासों को जारी रखने के लिए दुनिया भर में मनाया जाता है ये दिवस। चंबा जिले के चुराह उपमंडल में लोगों को मतदान के प्रति जागरूक बनाने के उद्देश्य से प्रशासन ने किया 5 टीमों का गठन। ईवीएम मशीनों सहित वीवीपैट का इस्तेमाल कर वोट करने संबंधी दी जा रही है जानकारी। प्रदेश विश्वविद्यालय ने रूसा के तहत दूसरे, चौथे और छठे सेमेस्टर के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि 30 मार्च तक बढ़ाई। लाहौल स्पीति सेवा संस्था ने लोकसभा चुनाव के दौरान चुनावी घोषणा पत्रों में जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को वन अधिकार कानून के लाभ दिलाने का प्रावधान किए जाने की राजनीतिक दलों से की मांग। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर शिमला के जिला दंडाधिकारी राजेश्वर गोयल ने सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों को 31 मार्च तक पुलिस थानों में हथियार जमा करवाने के दिए निर्देश। शिमला के गेटी थिएटर में विजुअल आर्ट्स के छात्रों की वार्षिक पेंटिंग का आयोजन। 19 चित्रकारों की पेंटिंग रही सभी के आकर्षण का केंद्र। परिवहन विभाग ने लिया फैसला, गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन से लेकर विभिन्न टैक्स और पेनल्टी को ऑनलाइन किया जाएगा जमा। नई व्यवस्था अप्रैल माह से होगी लागू। सरकारी स्कूलों में बदलेगा छुट्टियों का शेड्यूल, शिक्षा विभाग जल्द जारी करेगा प्रस्ताव। 14 शिक्षक संघों के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में लिया गया फैसला। प्रदेश में 1 अप्रैल के बाद खुले में कूड़ा फेंकने पर लगेगा 5,000 रूपए का जुर्माना। सीएस की बैठक में मुख्य सचिव ने कहा, सभी 54 शहरी निकायों में 2016 के नियमों को लागू करवाएगी सरकार। राजकीय औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान रामपुर में 10वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता 27 से 30 मार्च तक होगी आयोजित। प्रतियोगिता में विभिन्न आईटीआई के लगभग 450 प्रतिभागी लेंगे हिस्सा।